good morning students welcome to your gk class today we will revise our 22nd chapter word extreme in word extreme we will read about extreme things in the words like this first it is the highest waterfall in the world वी कैन फ्रेम क्वेश्चन लाइक दिस विच इज द हाइएस्ट या फिर टेल द नेम ऑफ द हाइएस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड तो इसका नेम है एंजल फॉल्स एंजल फॉल्स इज द हाइएस्ट वाटर फॉल इन दर्ल्ड सेकेंड इज इट इज द हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड द एवरेज टेम्परेचर इज फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ये है इथोपिया में जो है ये है, प्लेस जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है इथोपिया और इथोपिया में भी इसका जो है प्लेस का नेम क्या है जैसे कि हाईएस्ट वॉटरफॉल वेहर इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड तो ये जो अगर हम कंट्री का नेम पूछते हैं तो इसमें हो जाएगा वेनुजुएला और अगर इसका नेम पूछा जाता है राइट द टेल द नेम ऑफ द हाइएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड तो आप लिख बता सकते हो एंजल फॉल्स एंजल फॉल्स इज द हाइएस्ट वॉटर एंड वेहर इट इज तो ये हो जाएगा वेन्यूजला नेक्स्ट है जैसे सेकेंड इट इज द हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड जो हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है वर्ल्ड में वो जो है कहाँ पे है या फिर इसका नेम क्या है तो नेम है इसका डेलोल और ये जो है कहाँ पे है इथोपिया में इथोपिया में जो है आ, वेहर इज द हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इथोपिया या फिर हम ये भी कह सकते हैं टेल द नेम या फिर विच इज हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन वर्ल्ड इज डेलोल नेक्स्ट है जैसे आपका थर्ड है इट इज हाइएस्ट नेवी नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड तो ये जो है बॉर्डर ऑफ पे है ये बॉर्डर ऑफ पेरू एंड वोलविया पेरू एंड वोलविया के बॉर्डर पे ये जो है सिचुएटेड है लेक और इसका नेम है लेक टिटी काका ने क्या है लेका टीटी काका इज द हाइएस्ट नेविगेबल लेक फोर्थ इज इट इज द हाइस्ट माउंटेन इफ मेजर्ड फ्रॉम इट्स ऑन द सी फ्लोर इज टू इट्स पीक अगर इसको सी फ्लोर से मतलब नीचे की जो बॉटम है इसके सी के अंदर से अगर इसको मेजर किया जाता है तो इसकी जो पीक है इसकी हाइट वहां से जो है इसकी पीक की हाइट होती है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव मीटर और ये है यूएसए में हवाई इसका नेम है और हवाई यूएसए में है यूएसए में सिचुएटेड है और इसका है आ, मोना किया मोना किया जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है जो सबसे हाईएस्ट है इसकी आ, लेंथ जैसे है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव मीटर तो हम इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इट इज द हाइएस्ट माउंटेन या विच इज द हाइएस्ट माउंटेन इफ मेजर फ्रॉम इट्स बेस ऑन द सी फ्लोर टू इट्स पीक तो फिर इसका नेम आप क्या बताओगे मोना किया नेक्स्ट है जैसे फिफ्थ इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड द लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज 93.2 डिग्री सेल्सियस इन 2010 में जैसे मेजर किया गया था तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो वर्ल्ड में कोल्डेस्ट प्लेस है तो वो है एंटार्कटिका में और इसका नेम है ईस्ट एंटार्कटिक प्लेट्यू ईस्ट एंटार्कटिक प्लेट्यू जो है इसका नेम है और ये जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस यानी फॉर एग्जाम्पल डैश इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड तो आप इसमें ऑप्शन क्या चूज करोगे ईस्ट एंटार्क्टिक प्लेटू इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड नेक्स्ट इन सिक्स इट इज द लोएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड एट द बॉटम ऑफ मेरीना ट्रेंच मेरीना ट्रेंच से अगर इसको मेजर किया जाता है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है में जो बॉटम है वो है स्पेसिफिक ओशियन और ये इसका नेम है चैलेंजर चैलेंजर डीप, डीप। नेक्स्ट जैसे सेवंथ इट इज द डीपेस्ट केव इन द वर्ड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा टेल द नेम द डीपेस्ट केव इन दर्ड या फिर विच इज़ द डीपेस्ट केव इन द वर्ड ये द नेम ऑफ द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड तो यू कैन टेल मी क्रूबेरा केव केव इज द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड एंड ये कहाँ है जॉर्जिया में नेक्स्ट है जैसे क्विज टाइम तो क्विज टाइम में भी हम आपको ये क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं जैसे इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आप इसके जो है क्वेश्चन मतलब इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो जैसे कि इट इज द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड तो आप इसको ऐसे लर्न करोगे क्रूबेरा इज द डीपेस्ट केव और आप अपने आप से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जैसे कि विच इज द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड तो आपका आंसर क्या रहेगा क्रूबेरा केव इज द डीपेस्ट केव इन द वर्ल्ड लाइक दिस यू कैन लर्न एंड इन क्विज टाइम

द डीपेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड इज डीपेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड इज कौन सी जो है डीपेस्ट माइंड है एंग्लो गोल्ड एसेंटिस मैपोनेग गोल्ड माइन इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड थर्ड इज द नॉर्थ नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इज लैंड इज तो इसका नेम है कैफेकुल आइलैंड और फोर्थ इज द हाइएस्ट ह्यूमन इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड हाईएस्ट ह्यूमन हैबिटेबल प्लेस इन द वर्ल्ड इज रिन कोनेडा रिन कोनेडा इज द हाईएस्ट ह्यूमन इनहेबिटेबल प्लेस इन द वर्ल्ड ओके बेटा थैंक यू रिवाइज योर चैप्टर ट्वेंटी टू विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो